हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। थैंक यू सो मच दोस्तों कि आप लोगों ने इतना प्यार, इतना सपोर्ट किया है मेरे चैनल को। आज मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ सिर्फ आपकी सपोर्ट से, आपके प्यार से, और हाँ ऑफकोर्स फैमिली के सपोर्ट से। आपके बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचने में, तो थैंक यू सो मच। और भी बहुत सारी एक्साइटेड वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ दोस्तों बहुत जल्द। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आजकल एंग्री गर्ल जो मेकअप है बहुत ट्रेंड में है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर करूं। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं इस लुक को शेयर करने के लिए। देखते हैं मैं किस हद तक कितना इसके साथ जो है न्याय कर पाती हूं। पहली बार मैं ये एंग्री गर्ल मेकअप लुक अपने चैनल पर शेयर करने जा रही हूं दोस्तों, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। सभी मेकअप प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मैं इस वीडियो में यूज करने वाली हूं, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अब से मेरे शॉर्ट के यानी कि यूट्यूब शॉर्ट के वीडियो में आप और ज्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस में शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही जो बिफोर मेकअप स्किन केयर रूटीन में करती हूँ, या फिर आफ्टर बाथ यानी कि नहाने के बाद जो मैं स्किन केयर रूटीन करती हूँ, अपनी स्किन की केयर करती हूँ, वो सब चीजें मैं शॉर्ट की वीडियो में अपलोड कर दिया करूंगी, ताकि आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाए। और छोटी छोटी चीजें मुझे शेयर करना वैसे भी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ। जो भी मैं स्किन केयर की या हेयर केयर की डेली वीडियो बनाती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ भी जरूर शेयर करूंगी। मैंने जो भी अभी स्किन केयर रूटीन अपनी फॉलो की है, जो भी मैं करती हूँ, वो मैं कर चुकी हूँ और शॉर्ट की वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा रही हूँ स्टे क्यूर की ऑयल बेस्ड प्राइमर। इससे स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज भी हो जाती है, फाउंडेशन बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है, और प्राइमर का काम तो ये बहुत अच्छे से करता ही है। ड्राई स्किन वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा प्राइमर है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा लूँगी NYB ऑरेंज कलर करेक्टर। जहाँ भी मुझे डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, वहाँ मैं इसे लगा लूँगी और ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो फिंगर की हेल्प से या फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी आप इसे ब्लेंड कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने अच्छे से इसे ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन। और ये देखिए, ये काफ़ी अच्छी कवरेज देता है, फाउंडेशन बहुत अच्छा है, इजीली ब्लेंड हो जाता है। इसमें मैं ऑयल बेस्ड प्राइमर की 1 से 2 ड्रॉप मिक्स कर अच्छे से डॉट डॉट करते हुए लगा लूँगी और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी। फाउंडेशन को ब्लेंडिंग में बहुत अच्छे से समय दीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। मैंने यहाँ पर वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। नेक्स्ट मैं यहाँ पर मेबेलिन फिट मी लूज पाउडर की हेल्प से अपने फाउंडेशन को सेट कर लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पर मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट से लाइट ब्राउन शेड से अपने फेस को कंटूर कर रही हूँ ओवल ब्रश की हेल्प से। नेक्स्ट मैं यहाँ पर NYB की ब्लश लगा लूँगी। ये ब्लश काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है मुझे, इसका अलग से रिव्यू भी मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है दोस्तों। और ये देखिए, लिफ्टेड मोशन में थोड़ा सा मैं लगा रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से, ताकि जो मेरा फेस है वो थोड़ा स्लिम दिखे और अच्छा लगता है मुझे इस तरीके से ब्लश लगाना। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे लगा लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने अपने ब्लश को लगा लिया है टैप टैप करते हुए। इसके बाद मैं यहाँ पर स्पूली की हेल्प से अपनी आईब्रोज़ को सेट कर लूँगी। आज मैं थोड़ा सा बुशी आईब्रो बनाने वाली हूँ, थोड़ा वैसे स्टाइल में जैसा कि मैं आपको यहाँ पर पिक में दिखा दूँगी। और मुझे बुशी आईब्रोज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और एंग्री गर्ल का ये जो लुक है ना थोड़ा सा, तो इस तरीके से इसमें बुशी आईब्रोज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। एंग्लो ब्रश की हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ टीन टीन आईब्रो जेल की हेल्प से। ये देखिए, एक बार और मैं स्पूली की हेल्प से अच्छे से अपने आईब्रोज़ को सेट कर लूँगी इस तरीके से बुशी लुक्स देते हुए। मैं आपको पिक में दिखा दूँगी ताकि आप थोड़ा कन्फ्यूज ना हो जाएँ। और इस तरीके से आईब्रोज़ को करने की सोच रही हूँ, थोड़ा सा कुछ अलग ट्राई किया है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर पर्पल की कंसीलर से मैं अपनी डार्क सर्कल पर इस कंसीलर को लगा लूँगी, ये देखिए, फ्लैट ब्रश की हेल्प से। और इसे भी इस तरीके से लगाऊँगी ताकि जो आईज़ है थोड़ी लिफ्टेड दिखे, क्योंकि एंग्री गर्ल का ये लुक है, तो इस तरीके से ये देखिए। और आईलिड पर भी मैं लगा लूँगी इसे। इसके बाद मैं पर्पल की कॉम्पैक्ट पाउडर से अपनी कंसीलर को सेट कर लूँगी। मैं मेकअप रेवोल्यूशन आई शेडो पैलेट से ये लाइट ब्राउन कलर का शेड लूँगी और इसे अपनी क्रीज लाइन पर लगाते हुए, आउटर वी पर लगाते हुए अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैं ये यहाँ पर सेम पैलेट से डार्क ब्राउन शेड लूँगी और इसे अपने आउटर वी पर लगाते हुए ब्लेंड कर लूँगी। बस इस तरीके से, पूरी आईज़ पर नहीं लगा रही हूँ मैं, जैसा कि आप देख रहे हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ये SFR कलर स्मोक आई शेडो पैलेट है, ब्लैक कलर का शेड लूँगी इस पैलेट से। और ये देखिए, एंग्लो ब्रश की हेल्प से लाइनर की तरह इस आई शेडो को लगाते हुए मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों। ये देखिए, आउटर वी पर इस तरीके से लगा लूँगी मैं इसे, विंग बनाते हुए मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ आई शेडो को। इसके बाद मैं यहाँ पर शुगर की लिक्विड आईलाइनर लगा रही हूँ
और बहुत ही पतला सा मैंने विंग बनाया है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखा है विंग आईलाइनर को और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखा है। तो ये देखिए विंग आईलाइनर मैंने लगा लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर शुगर की काजल लगा लूँगी और काजल को मैं पेंसिल ब्रश की हेल्प से हल्का सा स्मच कर लूँगी, इस तरीके से हल्के हाथों से बस स्मच कर लूँगी मैं काजल को। नेक्स्ट मैं यहाँ पर शुगर का मस्कारा लगा लूँगी। दोस्तों शुगर की काजल और मस्कारा और आईलाइनर का रिव्यू मैंने अपने चैनल पर शेयर कर दिया है, नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा एक बार वीडियो की प्लेलिस्ट को। नेक्स्ट मैं यहाँ पर वैसलीन लगा रही हूँ अपने लिप्स पर। क्या होता है ना कि जल्दबाजी में मुझे कभी कभी लिप बाम नहीं मिलती है जब भी मैं मेकअप ट्यूटोरियल करने बैठती हूँ, वैसे भी तो मैं वैसलीन को लिप बाम की तरह लगा लेती हूँ, तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस काजल को मैं यहाँ पर लिप लाइनर की तरह लगा लूँगी अपने लिप्स पर, इस तरीके से आउटलाइन करते हुए, ये देखिए। और इसके बाद मैं ये शुगर की रेड कलर की लिपस्टिक लगा लूँगी। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे ये लिप शेड, एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि आपको ये लिप शेड कैसा लगा है इस तरीके से अगर लगाते हैं तो ये देखिए। और ये देखिए हमेशा क्या हो जाता है कि लिक्विड लिपस्टिक लगाते हैं ना तो ये देखिए टीथ पर लग जाती है। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा भी। आप फिंगर की हेल्प से भी इस तरीके से एक्स्ट्रा लिपस्टिक को क्लीन कर सकते हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छा है क्या। और इसके बाद मैं यहाँ पर फेसिस कैनेडा की मेकअप फिक्सर से अपने मेकअप को फिक्स कर लूँगी दोस्तों। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेबेलिन की हाइलाइटर, जो कि मेरी फेवरेट हाइलाइटर है। दोस्तों इस लुक को मैंने दो ड्रेस के साथ आपको शेयर किया है, ब्लैक कलर का तो मैंने टॉप पहना ही हुआ है, इसके बाद मैं रेड कलर के टॉप के साथ भी इस लुक को दिखाऊंगी। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, SFR कलर आई शेडो पैलेट से ना मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि सिल्वर कलर के शेड को थोड़ा सा अपने इनर कॉर्नर्स में लगा लूँगी। आप देख सकते हो थोड़ा सा आईलिड पर, सॉरी मैंने लगाया है ये देखिए, ताकि मेरी आईज़ जो है और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखे। SFR कलर स्मोक आई शेडो है ये और काफ़ी अच्छी पैलेट है, काफ़ी पिगमेंटेड शेड है इसके, जैसा कि आप देख सकते हो। पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैंने इसे लगा लिया है अपनी आईलिड पर, पूरे आईलिड पर नहीं लगाया है, सिर्फ आप देख सकते हो इनर कॉर्नर्स में आईलिड के ऊपर थोड़ा सा लगाया है मैंने। और दोस्तों ये है मेरा फाइनल लुक, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नोज रिंग और ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मैंने इस मेकअप लुक के साथ ना बहुत सारे इंस्टाग्राम के रील्स के एक्टिंग के वीडियो भी शूट किए हैं थे, तो वो भी शेयर किए हैं मैंने इंस्टाग्राम पर। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी दोस्तों मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी मेकअप रोड्स के लिंक भी मिल जाएंगे और सोशल मीडिया के लिंक भी मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक और मोज के लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे दोस्तों, प्लीज़ आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर देना दोस्तों। मैं आपसे मिलती हूँ और ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।